हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल बीतेक शर्मा। सैमसंग ने एक नया चिपसेट का लॉन्च किया है जिसका नाम है सैमसंग एनओएस 1080। ये सैमसंग एनओएस 1080 का ये दावा है कि ये दुनिया का आज के तारीख में सबसे अच्छा प्रोसेसर है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्लस। क्या ये सैमसंग एनओएस 1080? अरे यार, इतना मच्छर क्यों है यार? ओहो, उफ, अरे मच्छर ने तो खून छू छू के देवाला कर दिया। अरे यार, तो मैं कह रहा था कि सैमसंग एनओएस 1080 ये एक नया चिपसेट है, आप लोग के स्मार्टफोन में देखने को मिलेंगे। लेकिन बात आखिर ये हो रहा है कि क्या ये क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का जो ये लेटेस्ट प्रोसेसर है हमारे लिए 865 प्लस, ये प्रोसेसर क्या ये बीत कर पाएंगे, जानेंगे आप इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओहो, अरे कितना मच्छर है यार। तो सबसे पहले बात करेंगे सैमसंग एनओएस 9611 जो एक प्रोसेसर था सैमसंग स्मार्टफोनों में। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर था, प्रीवियस स्मार्टफोन में हमको देखने को मिला। लेकिन सैमसंग एनओएस का एक नया अपग्रेड, नया न्यूज़ में हमको सुनने को ये मिल रहा था कि सैमसंग एनओएस 1080 ये एक नया चिपसेट होगा, वो भी 5 नैनोमीटर फैब्रिकेशन स्कोर के साथ, जो कि एक सही है। तो आखिर ये पहला जो ये डिफरेंस आएगा ना, ये डिफरेंस का दावा इसलिए हो रहा है कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 इसमें आपको देखने को मिलता है 7 नैनोमीटर फैब्रिकेशन, और सैमसंग गैलेक्सी एनओएस 1080 इसमें आपको देखने को मिलता है 5 नैनोमीटर फैब्रिकेशन, जो कि एप्पल A13 बायोनिक में है 5 नैनोमीटर फैब्रिकेशन स्कोर। तो इसका मतलब ये होता है कि जितना उसका नैनोमीटर प्रोसेस कम करेगा, इलेक्ट्रॉन्स 1 नैनोमीटर से दूसरा नैनोमीटर ट्रांसफर होने में ज़्यादा कम बिजली खाएगी, तो ज़्यादा कम बिजली खाने से आपको ज़्यादा आपको बैटरी सेविंग्स करेगा, तो ज़्यादा बैटरी सेविंग्स करने से आपके स्मार्टफोनों में हीटिंग इशू कम करेगा। आपके स्मार्टफोन को अगर हीटिंग इशू कम करेगा, तब आप अपने स्मार्टफोनों में ग्राफिक्स पबजी बहुत कुछ हेवी ये ग्राफिक्स गेम वाले आप बहुत आसानी से आप खेल पाएंगे। तो इस मामले में मीडियाटेक क्या कहते हैं, ज़रा उनका भी सुन लेते हैं। मीडियाटेक, अरे मीडियाटेक कुछ कहना है क्या? नहीं, मीडियाटेक तो इस मामले में कुछ कह भी नहीं रहा है। तो मीडियाटेक वाले भी इस मामले में अभी तक छुप बैठा है, कुछ कह नहीं रहा है, कुछ मतलब नया न्यूज़ नहीं आ रहा है। तो आखिर में क्या ये सैमसंग एनओएस 1080 ये चिपसेट क्या सचमुच में इसको बीत कर पाएंगे, जानेंगे अगर ये चिपसेट का कंप्लीट शेड्यूल ये बन सके। क्योंकि बहुत सारा चीज़ ये है कि उस सैमसंग एनओएस 1080 दबा किया कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 इसमें है आपका देखने को मिलता है एड्रेनो 650 ग्राफिक्स के साथ, और इसका जीपीयू सीपीयू का क्लॉक स्पीड है अप टू 3.2 गीगाहर्ट्ज़। और उसी के मामले में ये सीपीयू, अगर ये अभी तक न्यूज़ में ये कह रहा था कि सीपीयू इसका है अप टू 3.0 गीगाहर्ट्ज़, मतलब फिर भी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन इसका प्रोसेसर में सीपीयू बहुत ही अच्छा है इसके मुकाबले, इतना न्यूज़ हमको देखने को मिला है। लेकिन आखिर ये दावा कैसे कर रहा है? दावा इसलिए कर रहा है कि फैब्रिकेशन स्कोर की वजह से, क्योंकि इसका 5 नैनोमीटर फैब्रिकेशन स्कोर ही इस प्रोसेसर को ज़्यादा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसफ़र करने से ग्राफिक्स आप जल्दी से जो ओपन अपन हम कर पाएंगे। जितना कम चिपसेट होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स काम करेंगे, जितना इलेक्ट्रॉनिक्स एक साथ काम करेंगे उतना ही उसको ट्रांसफॉर्मर ज़्यादा आसानी से हम गेम को ग्राफिक्स को हम रेंडर कर सके। तो ग्राफिक्स रेंडर कर सके इसका मतलब ये होता है कि पबजी गेम खेल रहे हो, किसी किसी के जो प्लेन से हम लैंड करता है ना, लैंड करने के बाद 10 या 20 सेकंड के अंदर हमको जब लैंड करता है ना, कुछ नहीं दिखाई पड़ता, सब कुछ साफ़ हो जाता है, मतलब एक पानी जैसी जैसा कुछ अजीब हो रहा है, वो इसको कहते हैं ग्राफिक्स रेंडर करना। तो इसके मुकाबले अगर 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी में ग्राफिक्स रेंडर बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होने की वजह से आपको ज़्यादा ये प्रोवाइड करेगा। तो मीडिया देख कुछ भी नहीं कह रहा, ये भी कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मेरा ख्याल से
आप लोग मेरे प्यारे जनता वालों, मेरे प्यारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर, आपको इसमें क्या कहना है मेरे वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सैमसंग ने कहा कि इसका फैब्रिकेशन स्कोर स्नैपड्रैगन A65 से ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये भी कह रहा है कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन A65 का CPU बहुत ही अच्छा है, इसका 2.0 कम है, न्यूज़ में ये आया है। तो आखिर हमको बताइए क्या क्या मेजर डिफरेंस होना चाहिए, आने वाले दिनों में भी पता चलेगा। तो बस आज के लिए प्रभु का नाम, जय श्री राम। क्या आप ये सोच रहे हैं ना दादी की तरह, ये हमको सब मिलके हमें पागल बना रहा है, मीडिया टेक्स, क्वालकॉम, एप्पल आयनिक, हेलियम, ये सारे प्रोसेसर के बारे में। बहुत सारे प्रोसेसर आता है लेकिन होता है सारा मोबाइल सारा होता है लैग। ये वीडियो बनाएंगे, सब मिलके हमें पागल बना रहा है। अगर ये वीडियो आपको देखना है ना, कमेंट बॉक्स में एक बार आपका राय जरूर लिख देना। तब तक आज के लिए बाय बाय। चकडे फट्टे नगडे गिल्ली, सुबह को जलंधर, शाम को दिल्ली। ओए बल्ले बल्ले।